स्टूडेंट्स, इसके आगे वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशंस। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। ओके, अब हेलो एल्केन के नामकरण में मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपने ना तो ये तरीका किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा और नहीं किसी आपने बुक्स में ऐसा पढ़ा होगा। तो एक बार आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपको कार्बनिक रसायन से संबंधित सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी दूर हो जाएगी। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का नामकरण। वैसे आप जानते हैं कि हेलो एल्केन का नामकरण मुख्यतः दो मेथड से अपन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी मेथड है साधारण मेथड या कॉमन मेथड। ओके, अब साधारण विधि के अंदर हम हेलो एल्केन का क्या नाम लिख सकते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या नाम लिखते हैं? एल्किल हैलाइड। ओके, अब क्यों लिखते हैं? क्योंकि साधारण में जो कार्बन की जो चैन होती है जिसकी एक वैलेंसी हमारे खाली रहती है जिससे हमारा हेलोजन जुड़ता है वो समूह हमारा क्या कहलाता है? एल्किल। और पीछे हेलोजन के लिए अपन साधारण के लिए क्या यूज करते हैं? हैलाइड। लेकिन आईयूपीएसी के लिए अपन जब भी हेलोजन जुड़ा होगा तो उसके लिए अपन क्या शब्द यूज करते हैं? हेलो। ओके, अब देखिए आगे। और सेकेंड मेथड है हमारी आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अंदर जैसे मैंने लिखा है हेलो एल्केन, क्या लिख रहा है? हेलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड है वो तुम्हारा साधारण नाम हो गया और हेलो एल्केन है वो मेरा कैसा नाम हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया। ओके, अब आप देखिए साधारण विधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है जिससे आपको इसका नाम बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। ओके, अब देखिए आप एल्किल समूह का नाम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी साधारण नाम अपन को लिखना है तो अपन को क्या लिखना है? एल्किल समूह का नाम। फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? हैलाइड का नाम। हैलाइड कौन सा? हमारा फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, जो भी हो रहा उसका अपन नाम लिख देंगे। और एल्किल समूह में हमारा कौन कौन से समूह हो सकते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पे एल्किल समूह भी बनाना मैंने आपको बताया है। तो एल्किल समूह के अंदर हमारा क्या होता है? एल्किल समूह कैसे बनाते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है? एक प्रकार से हमारे कार्बन चैन में कार्बन कितने नंबर हैं, कितने कार्बन है? 5 कार्बन की चैन है, 4 कार्बन की चैन है, वो होता है हमारा पूर्व लग्न। उसके अंदर अपन क्या जोड़ देंगे? इल। क्या जोड़ देंगे? इल। तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्किल। क्या बनेगा? एल्किल। ओके, अब सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3। क्या लिया है? CH3। अब एक कार्बन के लिए अपन कौन सा शब्द यूज करते हैं या कौन सा पूर्व लग्न यूज करते हैं? तो यहाँ मैंने लिखे हैं पूर्व लग्न। जैसे एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? मेथ। 2 के लिए एथ। 3 के लिए प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप। 8 के लिए ऑट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डूडेक। 13 के लिए ट्राइडेक। 14 कार्बन है तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। इस प्रकार से अपन ये सीरीज आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, हमारे इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे? मेथ। क्या लिख दिया हमने? मेथ। और मेथ मैंने क्या जोड़ दिया? इसे इल जोड़ दिया तो क्या बन गया? हमारा मैथिल। ये जो समूह है वो हमारा कौन सा है? मैथिल समूह है। ठीक है, अब ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आपको ये एल्किल समूह के नाम आपको नहीं आएंगे, नाम याद नहीं होंगे, तब तक आप इसका कॉमन नेम नहीं लिख सकते हैं। आईबीसी नाम लिखने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन इसका कॉमन नेम लिखने में आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए सारे जो ग्रुप है ये आपको एक बार अपने कॉपी में लिख के आपको अच्छे से याद करने होंगे। ओके, तो देखिए अब जैसे मैंने लिखा CH3CH2 कितने कार्बन? इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए अपन कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? एथ। एथ में इल जोड़ा तो क्या बन गया? हमारा एथिल। क्या बन गया? एथिल। अब इसको अपन शॉर्ट में C2H5 भी लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा CH3CH2 और CH2 और एक वैलेंसी खाली लिख दिया। अब देखिए कैसे चैन आया, एक सीधी चैन है, एक नॉर्मल चैन है, और जब भी एक नॉर्मल चैन होती है तो उसके लिए अपन क्या शब्द यूज करते हैं? एन। क्या लिखते हैं? एन। अब कितने कार्बन है? 1 2 3। के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। प्रोप मेल जोड़ दे तो क्या बन गया? हमारा प्रोपिल। तो ये हमारा क्या बन गया? एन प्रोपिल। इसी प्रकार से देखिए CH3, ये CH3 और CH है। अब ये देखिए, अब इसमें भी 3 कार्बन है और ऊपर थे उसमें भी कितने कार्बन थे? 3। लेकिन इसमें हमने लिखा था एन और इसमें हमने क्या लिखा है? आइसो। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि तो जब भी CH होता है और दोनों तरफ CH3 होता है तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है? आइसो। उसको आइसो समूह कहते हैं। और 3 कार्बन की वजह से इसके पीछे मैंने क्या नाम लिख दिया? आइसो प्रोपिल। तो आप लोग ध्यान भी रखना है कि ऐसा नहीं 3 कार्बन है सभी अपन प्रोपिल लगाए, तो प्रोपिल में भी अपन को देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोपिल कौन सा है, एन प्रोपिल है या आइसो प्रोपिल है। ओके,
फिर आप देखिए, फिर मैंने लिखा है CH3, CH2, 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 कितने टर्म की चेन है, चार टर्म की चेन है, चार के लिए अपन क्या शब्द यूज करते हैं, ब्यूट, ब्यूट में क्या जोड़ेंगे इल, तो क्या बन गया हमारा ब्यूटिल। अब ब्यूटिल तो बड़ा है, लेकिन अब देखिए अब इसमें हमारी कैसी चेन बन रही है, एकदम सीधी चेन बन रही है, एक नॉर्मल चेन बन रही है, तो इसके आगे भी अपन क्या लगा देंगे एन, तो क्या बन गया हमारा एन ब्यूटिल, क्या बन गया एन ब्यूटिल। इसी प्रकार से अब इसमें देखिए आप, ये हमारा CH3 है, ये CH है, CH3 और CH2 है, इसमें भी चार कार्बन है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, आइसो, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आइसो दिखाई दे रहा है, आइसो दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा समूह होगा, आइसो समूह होगा। फिर आपको देखने कार्बन कितने हैं, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो क्या आ गया ब्यूट, ब्यूट मिल जोड़ दिया, क्या बन गया ब्यूटिल, यानी क्या बन गया आइसो ब्यूटिल। इसी प्रकार से ये देखिए अब इसमें देखो, जैसे CH3 लिया, CH लिया और C2H5, ये क्या आइसो है, ये हमारा आइसो नहीं है। ये आइसो क्यों नहीं है, क्योंकि CH के दोनों तरफ CH3 है तो ही आइसो है, लेकिन इसमें एक तरफ तो क्या है हमारा C2H5 है, C2H5 है, तो इसलिए हमारा ये आइसो नहीं है। जब हम सबसे पहले अपन जब भी कॉमन नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है नॉर्मल चेन है या नहीं है, फिर उसके बाद देखना आइसो है या नहीं। अब ये दोनों कंडीशन नहीं बन रही है तो फिर आपको उसको कार्बन के आधार पर देखना है कि वो कौन सा हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी कार्बन है, तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के लिए अपन क्या ले सकते हैं 2° या सेक ब्यूटिल भी लिखा जा सकता है। ओके, अब एक दो एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो माइंड में है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब मैं 5 कार्बन की चेन लेता हूं, तो देखिए जैसे मैंने लिया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिल गया, लेंगे पेंट, पेंट मिल जोड़ेंगे, क्या बन गया पेंटिल, लेकिन कौन सा पेंटिल हमारा, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। अब देखिए सीधी चेन बन रही है, सीधी चेन बन रही मतलब नॉर्मल चेन है, और नॉर्मल के लिए क्या लगा देंगे अपन एन, तो क्या बन गया हमारा एन पेंटिल। ओके, अब देखिए अब मैंने जैसे लिख दिया CH3, CH, CH3, CH2 और CH2। अब ये कौन सा समूह होगा, तो इसको आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये हमारा क्या है, CH है, और CH के दोनों तरफ क्या है, CH3 है, और CH3 जब दोनों तरफ होता है तो कौन सा होता है हमारा आइसो। अब फिर देखना अपन को टोटल कार्बन कितने हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं, ये 3, 4, 5, तो कौन सा है हमारा आइसो पेंटिल, कौन सा हो जाएगा आइसो पेंटिल। ओके, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और बदल के लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH, CH2 और CH3, और यहाँ पे मैंने एक वैलेंस शीट क्या रख दी है, खाली रख दी है, तो अब ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा कौन सा होगा, तो आप देखेंगे तो ये हमारा ना तो नॉर्मल चेन है, नॉर्मल के लिए भी तो जो मध्य वाले कार्बन होते हैं उसमें कोई भी वैलेंसी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इसमें एक वैलेंसी हमारी खाली है तो ये हमारा नॉर्मल नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए अब नॉर्मल है नहीं, आइसो है नहीं, तो अपन किसके आधार पर देखेंगे, कार्बन की स्थिति के आधार पर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो इससे हमारा जब भी हेलोजन जुड़ेगा या कोई समूह जुड़ेगा तो अब ये जो कार्बन है इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी हमारा कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये भी हमारा कौन सा होगा 2° क्या हो जाएगा 2° 5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंटिल, क्या हो गया पेंटिल। अब देखिए मैं और थोड़ा सा लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3, CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने C2H5, क्या लिख दिया C2H5। अब देखिए क्या है ये हमारा आइसो है नहीं है, नॉर्मल है नहीं है, तो क्या है, अब तीनों तरफ कार्बन है तो कौन सा होगा हमारा 3° कौन सा होगा 3° अब 3° तो है लेकिन कार्बन भी कितने हैं, एक हमारे ये है 1, 2 और 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो अपन क्या लिखेंगे 3° पेंटिल या टर्ट पेंटिल भी लिखा जा सकता है। ओके, और देखिए और भी देखिए, अब जैसा मैंने लिखा CH3, CH3, CH3 और CH2 और एक वैलेंसी खाली, कौन सा समूह है। अब
इसमें क्या है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उनको क्या दिखता है कि यहाँ पर भी सी एस थ्री है, यहाँ पर भी सी एस थ्री है और यहाँ पर भी सी एस थ्री है, और वो क्या समझ लेते हैं ये हमारा थ्री डिग्री है। नहीं, अपन को देखना है कि जिससे हमारा हेलोजन जुड़ेगा उस कार्बन से कितने कार्बन है, तो ये हमारा थ्री डिग्री भी नहीं है। तो इस समूह का एक अलग ही नाम है नियो। क्या नाम है? नियो। नियो जब भी समूह स्टार्ट होता है वो पांच कार्बन से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा आपको याद रखना। अब टोटल कितने कार्बन है? पांच कार्बन है, तो ये क्या है? नियो पेंटिल। क्या है? नियो पेंटिल। ओके, अब एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा सी एस थ्री और सी एस थ्री, बताइए इसका क्या नाम होगा, बताइए। तो देखिए इसमें इधर भी सी एस थ्री है, इधर भी सी एस थ्री है, इधर भी सी एस थ्री है, तो हमारा कौन सा होगा? थ्री डिग्री। थ्री डिग्री कौन सा होगा? पेंटिल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, चार कार्बन कौन सा होगा? ब्यूटिल। कौन सा होगा? ब्यूटिल। ओके, अब कुछ समूह में आपको और बता देता हूँ। ये जनरली हमारे एल्किल समूह के अंदर आते हैं। अब जो कुछ अपन जनरली ज़्यादा यूज नहीं करते हैं वो भी मैं बता दूँ, तो उनका नाम आपको बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रख के आपको याद रखना है। वैसे आपने आगे पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको उनका दोहरा कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच टू, बताइए क्या नाम है इसका? तो इसका नाम क्या है? आपने आगे पढ़ा था एलिलिक हैलाइड के अंदर, तो ये कौन सा समूह है हमारा? एलिलिक समूह है या एलिल समूह है। तो अपन इसका क्या नाम ले सकते हैं? एलिलिक या एलिल समूह है। ओके, फिर जैसे मैंने लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यह एक वैलेंसी खाली है, क्या है हमारा? वाइनिलिक। क्या है? वाइनिलिक समूह है। कौन सा है? वाइनिलिक। ये भी आपको मैंने बताया था आगे की क्लास के अंदर, वाइनिलिक, या इसको क्या लिखते हैं? वाइनिल भी लिखा जाता है। ठीक, अब मैंने लिखा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू, क्या नाम है इसका? तो ये समूह है, आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आपको ये ग्रुप याद नहीं होंगे आप कॉमन नेम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा हमारा? क्रोटोलिक। क्रोटोलिक भी लिखा जाता है, या फिर इसको लिखते हैं क्रोटोनॉइल। ओके, फिर मैंने लिखा सी एस थ्री और सॉरी यहाँ लिख दिया तो मैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहाँ मैंने एक वैलेंसी खाली लिख दी है। तो इस समूह का नाम क्या होगा? सपोज यहाँ मैं हेलोजन जोड़ दूँ तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारा? हेलो एसीटिलीन। क्या नाम होगा? हेलो एसीटिलीन। ओके, तो ये सारे समूह आपको अच्छे से याद रखने हैं। जब तक समूह याद नहीं है तब तक आप इनका नाम अच्छे से नहीं लिख सकते। अब आप देखिए, अब जैसे मैंने लिखा R सी एच टू और सी एच, दोनों तरफ दो वैलेंसी वाली खाली है। और जब एल्किल समूह से या एक ही कार्बन से दो वैलेंसी खाली होती है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? एल्किल सब तो यूज करेंगे ही, और इसके पीछे क्या जोड़ देंगे? ईडीन। क्या जोड़ देंगे? ईडीन। ओके, और ये किसके लिए यूज होगा? जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये जैम डाई हैलाइड। कौन सा होगा? जैम डाई हैलाइड। सपोज मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता था, जैसे मैंने देखा सी एस थ्री और सी एच, और इधर भी जोड़ दिया सी एल, इधर भी जोड़ दिया मैंने सी एल, बताइए इसका क्या नाम होगा? एल्किल। कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो कौन सा होगा? एथिल। कौन सा होगा? एथिल। अब एथिल तो है, अब इसके पीछे हमारा क्या जुड़ेगा? ईडीन। क्या जुड़ेगा? ईडीन। तो क्या बन जाएगा? एथिलीडीन। क्या बन जाएगा? एथिलीडीन। अब एथिलीडीन है, पीछे हमारा क्या है? क्लोराइड है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया? एथिलीडीन क्लोराइड। आप चाहो तो इसको एथिलीडीन डाइक्लोराइड भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
अब जैसे मैंने लिखा CH2 और CH2, और एक दोनों तरफ एलएनजी खाली है। जब इस प्रकार का होता है तो इसके लिए पीछे क्या आता है हमारा एल्किल तो आता ही है, और इसके पीछे क्या जोड़ते हैं ईलिन, क्या जोड़ते हैं ईलिन, एल्क प्लस ईलिन होता है, क्या होता है एल्क प्लस ईलिन, तो हमारा क्या बन जाएगा एथिलीन, क्या बन जाएगा एथिलीन। इसमें कितने कार्बन है देखो, एक और दो, दो कार्बन है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बीआर, इधर भी जोड़ दिया बीआर, तो क्या होता है इसका नाम, दो कार्बन है तो क्या बन गया एथिलीन ब्रोमाइड, क्या बन गया एथिलीन ब्रोमाइड या एथिलीन डाई ब्रोमाइड भी लिखा जा सकता है। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने लिखा CH2 और CH2, एक वैलेंसी इधर है एक वैलेंसी इधर है, ये हमारा कौन सा हैलाइड, अगर यहाँ पे हेलोजन जोड़ दूँ तो किस प्रकार का हैलाइड होगा हमारा अल्फा ओमेगा, कौन सा होगा अल्फा ओमेगा, और जो इससे आगे जो बताया वो कौन सा था हमारा विशनल डाइहैलाइड वाला था। ओके, अब ये जो समूह है इसके पीछे अपन क्या लिखते हैं पॉली, क्या लिखते हैं पॉली, या मैं हॉल एन लिख देता हूँ, ये समूह हमारा कि एन कितने भी हो सकते हैं पॉली यानी अनेक हो सकते हैं पॉली। फिर CH2 केवल CH2 होता है, उसके लिए अपन कौन सा शब्द यूज करते हैं मैथिलीन, कौन सा यूज करते हैं मैथिलीन, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा पॉली मैथिलीन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे Cl जोड़ दिया और यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने, और इधर भी जोड़ दे मान लो Cl, बताइए इसका क्या नाम होगा। अब देखिए इसमें कितने CH2 है, 1, 2, 3, तो पॉली के स्तर पर हम क्या शब्द यूज करेंगे ट्राई, क्या करेंगे ट्राई, तो क्या नाम होगा इसका ट्राई मैथिलीन, क्या नाम होगा ट्राई मैथिलीन। अब मैं एक और ले लेता हूँ, अब जैसे मैंने लिखा CH2 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 और CH2, अब एक Br इधर एक Br इधर, इसका मतलब क्या बनेगा ट्राई मैथिलीन, फिर पीछे क्लोराइड है तो क्लोराइड भी आपको लिखना है, क्लोराइड भी लिख सकते हैं डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं। अब बताइए इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4 और 5, तो पॉली के स्थान में हमारा क्या आएगा पेंटा, क्या आएगा पेंटा, कितने मैथिलीन समूह है 5, तो पेंटा मैथिलीन ब्रोमाइड। ओके, पेंटा मैथिलीन ब्रोमाइड या पेंटा मैथिलीन डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए एक एग्जांपल मैं इसका और बता देता हूँ, जो कि आपने 10th की बुक में आपने पढ़ा था। जैसे मैंने लिखा यहाँ CH2, यहाँ CH2 का ऑल 4 CH2, इधर लिखा मैंने NH2, इधर मैंने लिखा NH2, याद आया, ये आपको मैंने बताया था, ये आपने आपके सर ने बताया होगा 10th क्लास 10th, जब आपने क्या पढ़ा था नाइलॉन 6 6, इसका क्या नाम था हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, कैसे नाम पढ़ा देखिए था आप, सिंपल सी बात है, कितने कार्बन है इसमें 1 और 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, तो पॉली के स्थान में क्या लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा। ओके, फिर कितने मैथिलीन समूह है 6 हैं, तो क्या लिखेंगे हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन, फिर क्या 2 हमारा एमीन है तो लिख देंगे डाई एमीन या एमीन भी लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से इनका कॉमन नेम आप लिखते हैं। ओके, अब ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन स्टिल आपको ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है, कम से कम 20 तक है आपको कार्बन की संख्या है वो आनी चाहिए। अब मैं आपको इस पूरे को एक साथ में समझाऊंगा, ये तो सारा मैंने क्या लिखा था अलग अलग लिखा था, अब एक साथ में आपको बताएंगे। अब तो आप देखिए, तो देखिए इसमें अब है IUPAC नाम, IUPAC नाम में सबसे पहले क्या लेते हैं प्रतिस्थापी का नाम क्रमांक सहित, सबसे पहले IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं अधिकतम कार्बन की क्या बनाते हैं चेन। ओके, अधिकतम कार्बन की चेन बनाई, वो चेन बनाने के बाद अपन क्या देखेंगे प्रतिस्थापी, अब प्रतिस्थापी को जब अपन नंबर देते हैं तो उसको कैसे अंक मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिलने चाहिए, तो
और जो नंबर मिलेंगे वो नंबर पे आप आपको साथ में क्या करना है, लिखना है। फिर उसमें बाद में आपको लिखना है पूर्व लग्न या कार्बन चयन में आपके कार्बन के नंबर, जैसे चार कार्बन की चयन है तो ब्यूट लिखेंगे, पांच कार्बन के पेंट लिखेंगे, सात कार्बन की चयन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। इस प्रकार से आपको क्या लिखेंगे, कार्बन की चयन लिखनी है और उसके पीछे आपको क्या जोड़ना है, इन। क्यों? क्योंकि अपन सारे एकल बॉन्ड वाले लेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले, इसलिए डबल बॉन्ड है तो अपन इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन आइन लिखेंगे। ओके, तो अब आप देखिए मैं टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया मैंने संरचना सूत्र, और इधर मैं लिख देता हूँ साधारण नाम, और इधर मैं लिख देता हूँ आयु, पीएससी नाम, और आप सब तो इधर लिख सकते हैं श्रेणी। अब कौन सी श्रेणी है, मोनो है, डाई है, पॉली है, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले जैसे मैंने नंबर एक लिया CH3Cl। अब CH3 को अपन क्या पढ़ते हैं, मैथिल। Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। किसके लिए, साधारण लिए। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम पीछे क्या लगा देते हैं, हैलाइड। तो एल्किल समूह से मेरा क्या है, मैथिल समूह है, पीछे हैलाइड क्या है, क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम क्या बनेगा मेरा, मैथिल क्लोराइड। आईबीसी नाम क्या बनेगा, एक ही कार्बन है तो सीएल के लिए क्या यूज होता है, क्लोरो। मैंने आपको बताया था साधारण में तो लिखते हैं क्लोराइड, पर आईबीसी में क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो क्या हो जाए, क्लोरो एक कार्बन मेथ, मेथ में जोड़ देते हैं मुझे क्लोरो मेथिन। अब देखिए इसमें एक ही हमारा हेलोजन है, कितना है, एक ही हेलोजन है, तो हमारा कौन सा होगा, ये मोनो हेलो एल्केन होगा। कौन सा होगा, मोनो हेलो एल्केन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा CH3, या लिख दिया मैंने CH2, एक CL इधर और एक CL इधर जोड़ दिया। अब बताइए इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका। अब ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो हैलोजन, तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, मैथिलीडीन। क्या हो जाएगा, मैथिलीडीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं। क्यों, मैंने बताया जब भी आप जेम हैलाइड का नाम लिखते हैं तो पीछे क्या लिखते हैं, ईडीन। विस्टा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इलीन। और अल्फा ओमेगा का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पॉली मैथिलीन। और पॉली है वो कार्बन, मैथिलीन समूह कितने हैं उसके आधार पर वो संख्या लिख देते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, अब देखो दो क्लोरीन है, दोनों 18 नंबर पे आएंगे तो अपन क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, एक कार्बन ही है तो मेथ, मेथ में जोड़ दिया, बन गया डाइक्लोरो मेथेन। अब यहाँ पे मोनो ना होकर कौन सा होगा हमारा, ये कौन सा होगा, डाई हेलो एल्किन होगा हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आप नंबर थ्री मैंने लिखा CH, और इधर भी CL, इधर भी CL और इधर भी CL। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अब जब भी CH होता है और इसके तीनों वैलेंसी खाली होती है, और जब हेलोजन शब्द इसके साथ जोड़ेंगे तो अपन इसको क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्म। क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्म, जैसे हेलोजन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। ओके, तो देखिए इसमें अब मैंने हेलोजन के स्थान में क्या जोड़ दिया, यहाँ पे CL जोड़ दिया है। तो अब CL के लिए अपन कौन सा शब्द यूज करते हैं, क्लोरो। क्या करते हैं, क्लोरो। तो इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम बनेगा, क्लोरोफॉर्म। ओके, अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन क्लोरीन है तो क्या हो गया हमारा, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ, मेथ में जुड़ दिया क्या बन गया, मैथेन, ट्राइक्लोरो मैथेन। अब ये कौन सा हैलाइड होगा हमारा, इसको पॉली भी लिखा सकता है, लिख सकते हैं आप इच्छा हो तो इसको ट्राई हेलो एल्किन भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा सी से चारों तरफ मैंने सी एल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, सी एल। ओके,
तो अब इसका एक साधारण का नाम एक अलग ही है, ठीक है ना। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। शॉर्ट में अपन इसको क्या लिखते हैं, CCl4 लिखते हैं। क्लोरोफॉर्म को क्या लिखते हैं, CHCl3 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, CH2Cl2 लिखते हैं। ओके, और इसका एक और व्यावसायिक नाम भी है, उसको अपन लिखते हैं पायरिन। क्या लिखते हैं, पायरिन। ओके, अब देखिए इसका आईपीएस नाम लिखेंगे तो चार हेलोजन है, तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ में जोड़ा क्या बन गया, मेथेन। टेट्रा क्लोरो मेथेन। और यहाँ पर लिख सकते हैं पॉली या टेट्रा हेलो एल्केन, ये हमारी क्या होगी, श्रेणी होगी है। ओके, अब एग्जांपल और अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते जाइए आप। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, मैंने लिखा CH3CH2 और मान लो मैंने यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब तो इसका IUPAC नाम और साधारण नाम क्या होगा, तो आप बताइए साधारण नाम में अंदर क्या है, CH3CH2 को अपन क्या कहते हैं, एथिल। एथिल में Cl जोड़ा तो क्या नाम बन गया, एथिल क्लोराइड। ओके, एथिल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा, एक और दो कार्बन है और आगे क्या हमारा Cl है, तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, क्लोरो। दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ में एन जोड़ा क्या बन गया, एथेन, यानी क्लोरो एथेन। श्रेणी कौन सी होगी, वही मोनो वाले होगी। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने लिखा CH3CH2CH2 और Cl। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। क्या है, नॉर्मल है, आइसो है, नियो है, क्या नजर आ रहा है आपको, तो सीधी सी चैन है। और जब भी सीधी चैन होती है तो अपन उसको लिखते हैं नॉर्मल से। नॉर्मल के लिए अपन क्या लगा देंगे, एन। कितने कार्बन है, तीन, तो क्या हो गया, एंट्रोपिल। पीछे क्या है, हैलाइड Cl। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो क्या बन गया, एंट्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नाम के लिए अपन इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी अपन को, आगे नंबरिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि Cl था वो एक ही नंबर पर आ रहा था। अब देखिए नंबर मैंने याद दीजिए, 1, 2 और 3। तो देखिए 1 पे क्या है, Cl तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। कितने कार्बन है, तीन कार्बन, प्रॉप में जो क्या बन गया, प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा CH3 और यहाँ जोड़ दिया Cl। ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये क्या है, आइसो है। अब इसमें क्या है? देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब जैसे कि मैं ऐसा लिखता हूँ CH3, तब उनके माइंड में लिखता है कि हाँ ये आइसो है, और इस टाइप से लिख दिया है तो ये आइसो नहीं, इसको नॉर्मल मान लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो बात वही है, ये CH है और इसमें भी ये CH है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर भी क्या है, CH3। एक वैलेंस इधर भी हेलोजन के लिए, इधर भी एक वैलेंस ही वो किसके लिए है, हेलोजन के लिए है। तो ये भी हमारा क्या है, आइसो है। तो ऐसा नहीं कि आपको सीधे जब नजर आए तो आप उसको आइसो नहीं माने, वो भी आइसो ही है। ठीक, तो ये मैं कौन सा बन जाएगा, आइसो प्रोपिल। पीछे Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया हमारा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट अब IUPAC नाम लिखेंगे तो नंबर ही देनी पड़ेगी, नंबर इधर से दो, क्योंकि नंबर दो पर Cl आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 1, 2 और 3। तो 2 पे हमारा क्या है, Cl है, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, और ये भी कौन सा होगा, मोनो होगा, कौन सा होगा, मोनो होगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखो, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और CH2, और इधर मैंने जोड़ दिया मान लो Br। बताइए क्या नाम होगा इसका साधारण नाम, माइंड में आया, आ गया। सीधी सी बात है, इस देखिए इसमें चार कार्बन की चैन है, और कैसी है, नॉर्मल है, तो क्या कौन सा हो गया हमारा,
एन ब्यूटिल हो गया, कौन सा हो गया, एन ब्यूटिल। पीछे क्या है, बी आर के लिए क्या लिखेंगे, साधारण में ब्रोमाइड। अब लिखेंगे आईबीसी नाम, तो नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4। तो 1 पे हमारा क्या है, बी आर, और बी आर को आईबीसी क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या था, ब्यूट, ब्यूट में जोड़ दिया, बन गया ब्यूटेन, यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, अब जैसे मैंने लिखा CH3 CH CH3 और CH2, इधर भी जोड़ दिया बी आर। अब ये क्या नजर आ रहा है, CH है, दोनों तरफ CH3 है, सीधी सी बात है आइसो है, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 4 है, तो क्या बन गया, आइसो ब्यूटेन। इसे क्या है, बी आर के लिए आ गया ब्रोमाइड, क्या आ गया, ब्रोमाइड। आईबीसी नाम लिखेंगे, नंबर देना पड़ेगा, इधर से नंबर दे देंगे 1, 2 और 3। अब इधर से देंगे तो बीआर कितने नंबर पर जा रहा है, 3 पे, इसलिए इस तरफ से नामकरण नहीं करेंगे, नामकरण अपन को इस और से करना पड़ेगा। ओके, तो 1 पे हमारा बीआर है, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, क्यों, तो ये हमारी चैन ये बनेगी, और जो चैन के बाहर है वो हमारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, और प्रतिस्थापी नाम कैसे लिखते हैं, क्रमांक सहित लिखते हैं। तो पहला प्रतिस्थापित हमारा बी आर है, हमने लिख दिया 1 ब्रोमो, क्या लिख दिया, 1 ब्रोमो। फिर 2 पे क्या है, मैथिल है, तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, क्या लिखेंगे, 2 मैथिल। पीछे कितने कार्बन की चैन बन रही है, 3 की, तो प्रोपेन जो क्या बन गया, प्रोपेन, यानी 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। अब मैंने लिखा जैसे CH3 CH3 और CH3, अरे यहाँ जोड़ दिया मैंने BR। बताइए क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल है नहीं, आइसो है नहीं, तो फिर किस में देखेंगे, डिग्री में, तो ये हमारा कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि BR वाला जो कार्बन है उसके तीनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, आईबीसी नाम लिखेंगे, तो आप ऐसे चेन बना दो 1, 2 और 3, तो देखिए 2 पर भी BR है और 2 पे मैथिल भी है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मैथिल। 3 कार्बन की चैन है, तो प्रोपेन जोड़ा क्या बन गया, प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3 और यहाँ जोड़ दिया, मान लो मैंने BR, इधर लिख दिया CH2 और इधर लिख दिया CH3। क्या है सर, ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंटर में हमारा क्या है, बी, मध्य में क्या आ रहा है, BR आ रहा है। तो अब अपन क्या देखेंगे, अब इधर भी CH3 है, इधर C2H5 है, तो आइसो भी नहीं है, अपन क्या देखेंगे, वही डिग्री। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री, क्यों, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, आईबीसी नाम, अब नंबर इधर से दे दो, 1, 2, 3 पे भी आ रहा है, इधर से दे दो 1, 2 पे, तो नंबर अपन आगे से देंगे, क्यों, क्योंकि क्रम से क्रमांक होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, 5 कार्बन की चैन ले लेते हैं, अब 5 की भी ले सकते हो, 6 की भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हैं। तो अपन 5 की ले लेते हैं एक बार, CH3 CH2 CH2 CH2, 1, 2, 3, 4 CH2 और लिख देते हैं, और अपन मान लो जोड़ दिया मैंने I, क्या जोड़ दिया, I। तो इसका साधारण नाम आपको बताना है, फिर एक मैं और लिख देता हूँ, जिसमें लगा CH3 CH3 CH2 CH2 और I, फिर लिख दिया मैंने मान लो CH3 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 CH2 और I, फिर मैंने एक और लिख दिया CH3 और इधर लिख दिया मैंने CH2, या फिर ऐसे लिख देते हैं इधर C2H5,
इधर CH3 और यहाँ लिख देते हैं अपन I, ओके, और एक और लिख देते हैं CH3, CH2, CH, CH2 और CH3 और सेंटर में जोड़ देते हैं I। अब बताइए साधारण नाम क्या है इनके, आईबीसी नाम क्या है। तो सर देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इसमें नॉर्मल चेन बन रही है हमारी, नॉर्मल चेन है तो हमारे कौन सा होगा एन ब्यूटिल, कौन सा होगा एन, सॉरी पांच डाल दो, क्या बन गया एन पेंटिल, क्या बन गया एन पेंटिल, आई है तो क्या लिखेंगे आयोडाइड, आयोडाइड हैलाइड यानी आयोडाइड। आईबीसी नाम नंबर एक पर ही है तो क्या लिखेंगे 1 iodo, पांच कार्बन है पेंट में एन जोड़ दिया क्या बन गया पेंटेन, ओके। फिर ये इधर भी सी एच है, इधर सी एच थ्री है, सीधी सी बात है कौन सा है आइसो है तो अपन क्या लिखेंगे आइसो पेंटिल, क्या लिखेंगे आइसो पेंटिल, आइसो पेंटिल क्या हो जाएगा आयोडाइड, क्या हो जाएगा आयोडाइड, ओके। फिर आईबीसी नाम नंबरिंग इस और से देनी पड़ेगी 1, 2, 3 और 4, तो 1 पे हमारा आई और 3 पे क्या है मैथिल, तो क्या लिखेंगे 1 iodo 3 methyl, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट में जोड़ दे क्या बन गया ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट देखिए अब इसमें अपन चेन ये वाली बना देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आई को भी कम से कम अंक मिले, तो ये हो गया मेरा 1, 2 और 3, ओके। तो 1 पे तो हमारे पहले तो इसका साधन नाम देखिए, साधन नाम कौन सा, देखो ये सी है, इधर भी CH3 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 और इधर CH2 है तो हमारा कौन सा समूह है नियो, कौन सा समूह है नियो, तो पांच कार्बन रहा है तो क्या बन गया नियो पेंटिल, क्या बन गया नियो पेंटिल आयोडाइड, आयोडाइड, ओके। अब आईपीसी नाम लिखेंगे तो नंबर एक पे हमारा आई तो क्या लिखेंगे 1 iodo 1 iodo, फिर 2 पे हमारे 2 मैथिल है, नीचे भी है ऊपर भी है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा अपन को 2 2 डाई, दो बार आ गया इसके लिए क्या लिखेंगे डाई, 2 2 डाई मैथिल, कितने कार्बन की चेन बन रही है 3 कार्बन की तो क्या बन गया प्रोपेन, क्या बन गया प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट का नाम, अब इसमें साधारण नाम क्या बनेगा 3 डिग्री में होगा, क्यों, तीनों तो हमारा क्या है कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे 3 डिग्री पेंटिल आयोडाइड, आयोडाइड, ओके। आईबीसी नाम लिखेंगे तो चेन हमको ऐसे बनानी पड़ेगी, नंबरिंग नीचे से देनी पड़ेगी क्योंकि 1, 2 पे आए ऊपर से देंगे तो नंबर 3 पे आएगा तो नंबर में से कम देना चाहिए तो नंबर नीचे से देंगे 1 और 2 1 2, इधर हो जाएगा 3 4, तो क्या हो गया हमारा 2 iodo, 2 पे मैथिल भी है 2 methyl, 4 कार्बन की चेन बन रही है ब्यूट में एन जोड़ा क्या बन गया ब्यूटेन। लास्ट देखिए आप CH3 CH2 CH CH2 और CH3, अब ये इधर भी कार्बन है एथिल, इधर भी एथिल है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री, कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री, तो अपन क्या लिखेंगे 2 डिग्री पेंटिल, 2 डिग्री पेंटिल आयोडाइड, ओके। आईबीसी नाम लिखेंगे, नंबरिंग की सोर्स भी दे दो, बराबर आ रहे 1 2 3 4 और 5, तो अपन क्या लिखेंगे 3 iodo pentane, ओके 3 iodo pentane, इस प्रकार से अपन जो नाम लिखते जाएंगे। 2-4 और फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपना ये आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बुक्स में आप देखना अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करना, आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता देना या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मैंने लिखा CH2 double bond CH और CH2 और यहाँ पे जोड़ते हैं CL, अब ये कौन सा समूह है हमारा, मैंने बताया था आपको एलील, तो साधारण नाम में तो क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा एलील क्लोराइड या एलील क्लोराइड भी लिख सकते हैं,
आईपीसी नाम लिखेंगे, तो इसमें यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। और हैलोजन और जब भी डबल बॉन्ड होता है तो हैलो डबल बॉन्ड की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए नामकरण करते वक्त डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देखते हैं। तो 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3-क्लोरो। क्या नाम बनेगा, 3-क्लोरो। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3, तो हमारा क्या आएगा, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। क्या आएगा, प्रॉप। और 8 नंबर में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसमें एन नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन। तो क्या आएगा, प्रॉप 1 इन। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH और CL। क्या नाम है, इतने मैंने बताया था आपको, वाइनिल। तो क्या बनेगा, वाइनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, वाइनिल क्लोराइड। ओके, अब आईपीसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग, अब इधर से देंगे तो हैलोजन को भी कम मिलेगा, इसलिए नंबर इस ओर से 1 और 2। तो क्या लिखेंगे, 1-क्लोरो। 1-क्लोरो, 2 कार्बन है, तो क्या गया, 8 और 1 इन। क्या बन जाएगा, 1 इन। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे लिया मैंने CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और CH2, और इधर मान लो छोड़ दिया मैंने CL। तो मैं इसका नाम बताया था मैंने, क्रोटोलिक। क्रोटोलिक भी लिख सकते हैं, क्रोटोनॉइल भी लिखते हैं। तो क्रोटोलिक क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, आईबीसी नाम लिखेंगे तो इधर से नंबर दे तो 1 और 2 पे आ रहा है, और इधर भी लिखे तो 1 और 2 पे आ रहा है। तो नंबर हमारे इस ओर से हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अब इस ओर से देने का रीजन क्या है कि हैलोजन को भी कम अंक मिले। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 1-क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 4 की है, ब्यूट। और क्या हो जाएगा, 2 इन। क्या हो जाएगा, 2 इन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मैंने देखा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH और यहाँ जोड़ दिया मैंने CL। अब इसका साधारण नाम क्या बनेगा, ये तो कौन सा समूह है, एसिटिलीन है, और CL पीछे जोड़ दिया तो कौन सा बन गया हमारा, क्लोरो एसिटिलीन। क्या नाम बन गया, क्लोरो एसिटिलीन। ये इसका नाम है, साधारण नाम है। ओके, आईबीसी नाम लिखेंगे तो 1, 2। तो 1 पे हमारा क्या है, CL है। क्या है, CL। तो क्या लिखेंगे, 1-क्लोरो। 1-क्लोरो, 2 कार्बन है, 8। और क्या हो जाएगा, 1 आइन। क्या हो जाएगा, 1 आइन। ओके, एक और बता देता हूँ लास्ट एंड फाइनल, CH3। C से ट्रिपल बॉन्ड, सी आर CH2, और यहाँ पे जोड़ दिया मान लो मैंने CL। तो इसका नाम है प्रोपायरजिल। प्रोपायरजिल क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ओके, प्रोपायरजिल क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो नंबर ही नंबर किस ओर से देंगे, इस ओर से, तो 1, 2, 3 और 4। तो क्या बन गया, 1-क्लोरो। 1-क्लोरो, 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूट। और 2 पे हमारा क्या आ रहा है, आइन। तो 2 आइन। ओके, इस प्रकार से हम हेलो एल्केन का क्या करेंगे, साधारण नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, और इसके जो बाद वाली जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन का नामकरण। तो इसमें इसमें आप पढ़ते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि इसके एक बार आप नोट्स बना लें, व्यवस्थित इनको कॉपी में लिखे, ठीक है ना। और बार बार इसके जो एल्किल समूह है उनको आप याद रखिए, क्योंकि साधारण नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ओके, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।